Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome to my channel IELTS Ghost, a platform for your IELTS preparation. So, आज की इस वीडियो में हम phrasal verbs के बारे में बात करेंगे. Phrasal verbs, बहुत बार ये term आपने सुनी होगी, लेकिन phrasal verbs होते क्या हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. Basically, phrasal verbs आपकी writing को एक अलग लेवल देते हैं. यू नो, अगर आप बेसिक लेवल हो तो जो यूजिंग फ्रेजल वर्ब आप ऐसा दिखा सकते हो एग्जामिनर को या किसी भी बंदे को, राइट, कि आपकी इंग्लिश का लेवल अच्छा है. तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना आइल्स के एग्ज़ाम में आपको पता चल गया होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट. अगर आपको अपना लेवल जो है वो दिखाना है एग्जामिनर को कि यू नो आई एम एडवांस लर्नर, एडवांस स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, राइट, देन डेफिनेटली आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी आज में. लेकिन अगर आप अभी सिर्फ आपका बैंड स्कोर जो है वो 5.5 राइटिंग में या 6 है, तो आई वुड से आप ये वीडियो मत देखो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो हैं ये एडवांस लेवल के हैं और आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो बेसिकली, जहाँ पे आपको अपनी एडवांसमेंट दिखानी है कि मैं एडवांस हूँ लैंग्वेज में. लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी 5.5 या 6 पे हैं, वो लोग सिर्फ अपनी जो चार पिलर्स हैं, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस एंड कोहेजन एंड हमारा लेक्सिकल रिसोर्स, ये चारों पिलर्स पे पहले काम करो. आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि वैसे वोकैबुलरी के अंडर ही आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स, बट स्टिल यू नीड टू फोकस ऑन बेसिक वोकैबुलरी, राइट. देन आप इस चीज़ को, अगर आप 6.5 तक आ जाते हो, देन 6.5 वाले स्टूडेंट की वो कैब या लेक्सिकल रिसोर्स या आपकी राइटिंग पूरी, टास्क 1, टास्क 2, चाहे आपकी स्पीकिंग हो, फ्रेजल वर्ब्स इम्प्रूव करेंगे. आपका बैंड स्कोर यहाँ से यहाँ जाएगा यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स. सो दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट. आप बहुत अच्छे से वीडियो को सुनना, एक पेन पेपर नोटबुक ले लेना, वट एवर, राइट, या फ़ोन में ही नोट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इन वर्ड्स को नोट करो, अपनी राइटिंग में यूज़ करो, इनको प्रैक्टिस करो इन चीज़ों की. मैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगी, उनके मीनिंग्स बताऊंगी और किस तरीके से विद एग्जांपल्स उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हर वीक इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज आती हैं आइल्स प्रिपरेशन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी. सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं? फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि दो तीन वर्ड्स होंगे, लेकिन उन दोनों तीनों वर्ड्स के मीनिंग्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से. लेकिन अगर हम उन दोनों तीनों वर्ड्स को इकट्ठा लिखते हैं तो एक अलग ही उनका मीनिंग निकल के आता है, राइट. तो इसको, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम फ्रेजल वर्ब्स, एज अ फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज क्वर्ल्ड विद. सो क्वर्ल, आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता होगा. आई थिंक कोई भी डिस्प्यूट हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना किसी के साथ, फाइट हो जाना, राइट, आर्ग्यूमेंट हो जाना, तो वहाँ पे आप क्वर्ल विद यूज़ कर सकते हो. इसकी एग्जांपल देखो, आई एम नॉट क्वर्लिंग विद देयर आइडिया बट आई थिंक देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो. सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ द वर्ड क्वर्ल विद इन योर आइल्स एग्जाम. नेक्स्ट वर्ड इज रॉम्प इन. टू विन ईजिली, इसका मीनिंग है टू विन ईजिली. इसकी एग्जाम्पल है इन द फर्स्ट रेस द माई फेवरेट पर्सन रॉम्ड इन, ऐसा भी आप लिख सकते हो, राइट. वो अकॉर्डिंग टू द टेंस वगैरह हमारा ई डी वगैरह लग जाता है, राइट. तो आप इस तरीके से रॉम्ड इन यूज़ कर सकते हो. बहुत जो बंदा ईजिली जीत जाए किसी चीज़, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह से आप यू नो ईजिली जीत जाओ, तो उस चीज़ के लिए हम रॉम्ड इन वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज सॉल्ट अवे. सॉल्ट अवे हम यूज़ करते हैं. अब आप देखो, सॉल्ट वर्ड और अवे वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, कुछ मैच नहीं है इसका. लेकिन सॉल्ट अवे का मीनिंग है सेव मनी. ओके, तो इसकी एग्जाम्पल है एक कि शी इज अर्निंग वेरी वेल बट शी इज सॉल्टिंग अवे अलॉट, राइट. उसके साथ ही अकॉर्डिंग टू द टेंस हमारे पास आई एन जी हमने लगा दिया है. नेक्स्ट इज वेंचर फोर्थ. इसका मीनिंग है टू लीव समवन सेफ एंड बहुत लाइक किसी को कंफर्टेबल रखना, कुछ सेफ रखना किसी बंदे को, राइट. तो उस चीज़ को हम वेंचर फोर्थ बोलते हैं. सो द एग्जाम्पल फॉर दिस इज इफ द स्टॉर्म हैज़ फिनिश्ड वी कुड वेंचर फोर्थ.
वी कैन मूव, वी कैन स्टे सेफ और वी कैन मूव सेफली. हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं ऐसा, राइट, टू वेंचर फोर्थ. नेक्स्ट इज स्टिक विद. ओके, सो ये वर्ड तो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, टू स्टिक विद, अपना डिसीजन चेंज ना करना, अपने डिसीजन को स्टिक रहना, राइट. तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वी विड बी बेटर स्टिक विद अवर ओरिजिनल आइडिया. सो दिस इज अवर एग्जाम्पल. नेक्स्ट वर्ड इज टी ऑफ, स्टार्ट और लॉन्च एन इवेंट. एग्जाम्पल इज द न्यू प्रोजेक्ट विल टी ऑफ नेक्स्ट मंथ. गो बाय, इसका मीनिंग है द पासिंग ऑफ टाइम. इसकी एग्जाम्पल है 10 years went by before we saw each other again, right? So इसी चीज को अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो then go by लिख देंगे, और इसी को अगर हमने पास्ट के बारे में, ये सेंटेंस, ये आपकी एग्जाम्पल जो थी ये पास्ट के बारे में थी, तो हमने went by लिख दिया. इसी तरीके से आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स का ऐसे सेम करना है, आपको जैसे जैसे टेंसेज होंगे जिस आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग फ्रेजल वर्ब्स चेंज हो जाएंगे, राइट. नेक्स्ट इज किक बैक, द मीनिंग इज टू रिलैक्स. रेदर देन गो आउट टू नाइट वी प्लान टू किक बैक एंड वॉच टेलीविजन. दिस इज एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज लिम्बर अप फॉर, मीनिंग इज प्रिपेयर फॉर समथिंग दैट विल रिक्वायर अ ग्रेट एफर्ट. बहुत मेहनत से कोई चीज करनी, राइट. एग्जाम्पल इज दे आर लिम्बरिंग अप फॉर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नेक्स्ट इज मेजर अगेंस्ट. ये भी बड़ा कॉमन है हमारे, यूजली हम इस चीज को, ये वर्ड यूज नहीं करते हैं हम मेजर अगेंस्ट, ऐसा फ्रेजल वर्ब, हम एज अ फ्रेजल वर्ब इसको यूज नहीं करते हैं, बट अगर इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं तो आप बोलोगे कि हाँ, हमारी कम्युनिटी में ये चीज बहुत होती है. सो इसका मीनिंग है किसी को जज करना किसी और से कंपेयर करके. हमारे घरों में ये चीज़ बहुत होती है, तो क्या करते हैं हम लोग कि उनकी लड़की देखो, उनका लड़का देखो, राइट, और तू खुद को देख, राइट, जजमेंट कंपैरिजन के साथ. तो इसको हम बोलते हैं टू मेजर अगेंस्ट. और इसकी एग्जांपल वैसे मैंने आपको बहुत अच्छी दे दी, लेकिन स्टिल एक सेंटेंस आप देख लो, द वर्क डज नॉट लुक गुड इफ़ यू मेजर इट अगेंस्ट वॉट एवर कंपिटिटर्स हैव डन. सो द नेक्स्ट वर्ड इज पास ओवर. पास ओवर ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है, इग्नोर करना किसी चीज़ को, इसका मीनिंग है. और द एग्जाम्पल इज लेट्स पास ओवर वॉट दे सेट एंड गेट ऑन. इग्नोर करो जो उन्होंने बोला, राइट. नेक्स्ट इज पील अवे, इसका मीनिंग होता है लीविंग अ ग्रुप बाय, इट्स मीनिंग इज लीविंग अ ग्रुप बाय मूविंग टू द डिफरेंट डायरेक्शन. अपने ग्रुप को छोड़ के किसी और डायरेक्शन में मूव हो जाना, लाइक धोखाधड़ी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड पील अवे. इसकी एग्जांपल आप देख लो, दे पील्ड अवे फ्रॉम द क्राउड एंड वेंट डाउन अ साइड रोड. उन्होंने वो चीज़ छोड़ के, राइट, किसी लाइक एक पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ के उसने अलग रास्ता अपना लिया कोई, राइट, मूव इन द अनदर डायरेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड पील अवे. सो दीज आर सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर आईएलटीएस एग्जाम. अगर आप इसको सिस्टमैटिकली और बहुत जिस जहाँ पे सेंस, ऐसा ना हो कि आप यू नो धक्के से आप एडजस्ट कर रहे हो वर्ड्स को, ऐसा ना हो, फोर्सफुली आप वोकैबलरी को एडजस्ट नहीं कर सकते अपने ऐसे में. ट्राई करो कि जो भी लिखो अच्छी वोकैबलरी में लिखो, और फ्रेजल वर्ब स्पेशली अगर आपको लगता है कि इस प्लेस पे फ्रेजल वर्ब ये अच्छा जा रहा है, देन ओनली आप लिखो उसको, अदरवाइज इग्नोर कर दो. एंड दैट्स इट. आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. आज के लिए इतने फ्रेजल वर्ब्स. आने वाली वीडियोज़ में आपको और भी फ्रेजल वर्ब्स मैं पढ़ाती रहूँगी. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट नोटिफिकेशंस भी आपके पास आती रहें और आपकी आज का एग्जाम में यू नो रॉक हो जाए. ऑलराइट, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.